Welcome back, learners. So, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इज अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी. पिछले कुछ वीडियो से वी हैव बीन स्टडीइंग वेरियस कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. उसी सीरीज में ये लास्ट कंटेंट थ्योरी है जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे. सो लेट अस सी हाउ द अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी वर्क्स. नाउ दिस थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाय डेविड सी मैक्लेलैंड. उन्होंने 1940s में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की. And he find out that there are three needs that motivate human behavior. तीन बहुत important needs है जो human behavior को motivate करती है. सबसे पहले need for power, second is need for affiliation, मतलब प्यार, relationships, and third is need for achievement. तो इंसान या तो power से motivate होता है, या प्यार से, रिश्तों से motivate होता है, या achievement से, success से motivate होता है. ये तीन चीजों को David McLennan और उनके friends ने study के through find out किया. Now उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में ये बात क्लियर कर दी है कि ईच पर्सन हैज अ नीड फॉर ऑल थ्री, मतलब हर एक इंसान में ये तीनों नीड्स होती है और इसके सिवाय भी कुछ जरूरतें होती है, बट ये तीन इंपॉर्टेंट नीड्स है और किस व्यक्ति और हर किसी व्यक्ति के अंदर जरूरी नहीं है ये एक ही साथ एक ही सामान्य तरीके से चले, बट दैट पीपल डिफर इन द डिग्री टू विच वेरियस नीड्स मोटिवेट देयर बिहेवियर. मतलब किसी इंसान को हो सकता है पावर बहुत जरूरी है, किसी इंसान को हो सकता है प्यार, रिश्ते, सोशल नीड्स बहुत जरूरी है, और किसी इंसान के लिए सक्सेस, अचीवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ एक एक करके ये तीनों नीड्स को हम समझते हैं. सबसे पहले नीड फॉर अचीवमेंट. नाउ उन्होंने स्टडी में ये फाइंड आउट किया दैट एम्प्लॉयज विद अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट दे डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अचीविंग गोल्स. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नीड फॉर अचीवमेंट सबसे स्ट्रांग उनके अंदर होती है और वो मोटिवेटेड फील करते हैं, वो सेटिस्फाइड फील करते हैं जब वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं. सक्सीडिंग अ टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे जो हाई अचीवर्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो भी टास्क उठा रहे हैं उसमें सक्सीड हो एंड उन्हें उसमें से किक मिलती है. दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी. मतलब आपने कई बार कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट और मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस. तो ये उस तरह के लोग होते हैं. दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी, बट पैसे पैसे को वो एक इंडिकेटर की तरह देखते हैं कि अगर मेरे पास इतने रुपए हैं या मेरे पास इतनी वेल्थ है या मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, तो दैट मींस आई एम दिस मच सक्सेसफुल. सो दे ट्रीट मनी इज द इंडिकेटर ऑफ देयर अचीवमेंट. सच पीपल दे प्रेफर इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस. उनको हर एक काम में ये जानना अच्छा लगता है कि वेदर दे आर डूइंग इट राइट, वेदर दे आर डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट, एंड कुछ भी अगर काम गलत है तो दे लाइक इमीडिएट फीडबैक सो दैट दे कैन इंप्रूव ऑन देयर परफॉर्मेंस. People who have need for achievement, they like to undertake task of moderate difficulty and they prefer to work independently. ये अपने आप individually अकेले में काम करना पसंद करते हैं, so that जो भी success हो या failure हो ये सब उनके अपने effort से related हो. मतलब अगर वो succeed होते तो भी सारा credit उन्हें मिले, और failure के case के अंदर वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और try करते हैं कि हम improve कर सके, so that हम next time कभी भी दोबारा fail नहीं हो. इसलिए उनको टीम में काम करने की जगह इंडिपेंडेंटली काम करना ज्यादा पसंद है. नाउ मैक्लेलैंड एक बात को जानते थे कि या बिलीव करते थे दैट ये जो नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट है, दिस कैन बी लर्न्ड, और मैनेजर के कॉन्टेक्स्ट में दिस कैन बी टॉट टू द एम्प्लॉइज. पीपल कैन बी मोटिवेटेड एंड इफ द नीड टू अचीव इज स्टिम्युलेटेड विद इन देम. मतलब अगर आप लोगों को अगर ये अचीवमेंट की एक लत लगा सकते हैं, किक लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन डेवलप दिस नीड फॉर अचीवमेंट. ये हम लोगों ने इंडिया में भी एक इसका एग्जांपल देखा है दैट एक काकीनाड प्रोजेक्ट करके एक 1970s के अंदर एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहां पर रिसर्चर्स ने दे अटेम्प्टेड टू रेज द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ बिजनेसमैन इन काकीनाड. एक जगह है काकीनाड, वहां पे उन्होंने लोगों बिजनेसमैन के अंदर ये नीड जगाने की कोशिश की थी एंड इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट. क्या किया गया था इस प्रोजेक्ट में कि बिजनेसमैन को उनको एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन को साथ में लेके आए थे एंड दे वर टोल्ड टू मेक देयर प्लान्स दैट वुड हेल्प देम टू रियलाइज देयर गोल्स एंड बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. एंड उन्होंने ये प्लान्स ना सिर्फ एक दूसरे के साथ डिस्कस किए बट दे ऑल्सो डिस्कस द मेथड्स ऑफ रीचिंग देम एंड मोर प्रोडक्टिविटी. जब ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे वो लोगों ने शेयर किया, जैसे इन प्लान्स को उन्होंने डिफाइन किया, दे बिकेम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड काफी इंडस्ट्रीज उस विलेज में और उसके एरिया आसपास के एरियाज में आई. And ये businessmen काफी successful हुए and they employed more than 5,000 of their villagers. And 10 साल के reassessment के बाद भी देखा गया कि this project, Kakinad project was a success. So this is an example that need for achievement can be taught to people if done properly.
कैसे ये अचीवमेंट मोटिव्स, खासकर एम्प्लॉयज के अंदर हम ये अचीवमेंट मोटिवेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी बात देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गिव आवर एम्प्लॉयज पीरियोडिक फीडबैक। अगर कोई काम वो अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें एनकरेज कीजिए कि यस यू आर डूइंग इट राइट, सो दैट दे कैन वर्क हार्डर इन दैट डायरेक्शन। या फिर अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो यू कैन गिव देम इंफॉर्मेशन सो दैट दे अपनी परफॉर्मेंस को मॉडिफाई कर सके या करेक्ट कर सके। ऑलवेज ट्राई टू गिव गुड मॉडल्स ऑफ अचीवमेंट। जैसे कि अगर आपकी टीम में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो औरों से बेहतर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्वेंशन से बेटर काम कर रहे हैं, तो इट इज गुड टू रिकग्नाइज देम, टू मेक देम हीरोज, टू मेक लोगों को दूसरे लोग भी, ताकि उनसे इंस्पिरेशन ले सके, उनसे सीख सके और उनकी तरह वो भी अपने बिहेवियर को अचीवमेंट फोकस बना सके। नॉर्मली इस थ्योरी में ये सजेस्ट किया गया है दैट जो भी टास्क है, खासकर ऐसे एम्प्लॉयज जो अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं, उनको ऐसे टास्क देने चाहिए जिसमें मॉडरेट चैलेंजेस और मॉडरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर आप एकदम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क देंगे अगर अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को, तो उनको लगेगा यार ये तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो वो ट्राई नहीं करते, बिकॉज काम शुरू होने से पहले ही दे विल फील डीमोटिवेटेड दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी कैन नॉट परस्यू देम। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप उनको बहुत इजी काम दे देंगे, एकदम एकदम बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ही इतना सरल काम है, इसमें हमारे को कोई ना क्रिएटिविटी लग रही है ना कोई मेहनत लग रही है, तो दे विल फील कंप्लेसेंट, दे विल फील बोर्ड, उनको किक नहीं मिलेगी। जो अचीवमेंट की उनको किक मिलती है वो उनको नहीं मिलेगी। इसलिए इट इज ऑलवेज नाइस टू गिव देम मॉडरेट डिफिकल्टी वाले टास्क सो दैट दे कैन वर्क हार्डर एंड अचीव देयर गोल्स एज मच एज पॉसिबल। एम्प्लॉय शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी इन इमेजिनेशन। मतलब ये थ्योरी ये बोलती है कि एम्प्लॉयज को आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको रियलिस्टिकली एंड पॉजिटिवली ट्रेन कीजिए कि अपने गोल्स को कैसे अकम्प्लिश किया जाए, बट फिर काम कैसे करना है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। क्या काम करना है वो उन्हें जरूर सिखाइए, बट किस तरह से करना है, किस तरीके से करना है वो उन्हें छोड़ दीजिए, सो दैट दे कैन वर्क हार्ड। नॉर्मली ये जो नीड है, हाई नीड फॉर अचीवमेंट, ये ज्यादा अच्छा काम करती है फील्ड सेल्स पर्सन हुए या फिर इंडिविजुअल जो स्टॉक ब्रोकर्स हुए, स्टॉक ट्रेडर्स हुए, जहां पे लोग इंडिविजुअली काम करते हैं वहां पे ये अगर आप नीड फॉर अचीवमेंट अगर डेवलप करते हैं अपने एम्प्लॉयज में तो दे फील वेरी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ नीड है दैट इज नीड फॉर पावर। नाउ नीड फॉर पावर इज कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें सेटिस्फैक्शन, जिन्हें मोटिवेशन मिलता है फ्रॉम द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स। उन्हें उनका डेजिग्नेशन, उनका रुतबा, उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पावर, उनकी उनकी जो पहुंच है या फिर उनकी जो पैठ है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो रुतबा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ये नहीं देखते कि हम गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं या हम किस तरह से अचीव कर रहे हैं, बट उनके लिए एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज लेस इंपॉर्टेंट देन द मीन्स बाय विच आर गोल्स आर अचीव। ये गोल तो ठीक है, हम लोगों ने अपना टास्क पूरा कर दिया, हम लोगों ने अपना गोल अचीव कर लिया, वो जरूरी है बट इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। पर उनके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि भाई हाउ वी अचीव दैट गोल, हम लोगों ने किस तरह से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख के, किस तरह से अपनी पावर एग्जर्ट करके ये गोल को अचीव किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दे गेट सेटिस्फैक्शन बाय बीइंग इन पोजीशंस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। उनको ये अच्छा लगता है कि हम लोगों के ऊपर अपना एक दबदबा बना के रखे, अपनी एक पावर बना के रखे, एक अपनी एक पैंठ बना के रखे। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो फॉर्मल पोजीशंस होती है, सुपरवाइजरी पोजीशंस है या फिर किसी भी जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होती है या फिर मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये देखा गया है दैट पीपल प्रेफर हायरार्की। उनको अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर अपनी पावर एग्जर्ट करने से मोटिवेशन मिलता है। सो सच दिस इज द नीड फॉर पावर। लास्ट जो कैटेगरी थी नीड फॉर अफिलिएशन, मतलब प्यार से, रिलेशनशिप से, सोशल सेटिंग से एम्प्लॉयज दे फील मोटिवेटेड। नाउ एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज इस नीड को एग्जिबिट करते हैं, दे डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सोशल एंड इंटरपर्सनल एक्टिविटीज। उन्हें बहुत जरूरी है कि ठीक है पैसा अपनी जगह पे जरूरी है, पावर अपनी जगह पे जरूरी है, बट सबसे ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है कि अगर वो लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के काम कर सके, लोगों के साथ साइकोलॉजिकली क्लोज फीलिंग करे, एक्सेप्टेंस फील करे, एक प्यार का माहौल हो, एक अच्छा कमराडरी हो ऑर्गेनाइजेशन में, एक दूसरे को रिस्पेक्ट हो, कर्टसी हो, वो चीज उनके लिए बहुत जरूरी है। दे वॉन्ट पीपल टू एक्सेप्ट देम, पीपल टू लव देम, पीपल टू रिस्पेक्ट देम, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। दे वॉन्ट के पीपल लोग उनके बारे में अच्छा सोचे। इफ आस्ट टू चूज बिटवीन वर्किंग इन अ टास्क विद दोज हु आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड दोज हु आर देयर फ्रेंड्स, मतलब कि अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज को अगर पूछेंगे कि अगर आपको अपनी टीम बनानी है, आपको अपना ग्रुप बनाना है, अपना डिपार्टमेंट बनाना है, तो आप उसमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे जो इस टास्क के लिए टेक्निकली सही है या टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, या अपने दोस्तों के साथ काम करना पसंद करेंगे, तो हाई नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग दे विल चूज देयर फ्रेंड्स। वो बोलेंगे ठीक है काम तो अपने आप हो जाएगा, धीरे
तेज जैसे भी है, काम ठीक ठाक से हो जाएगा, बट काम करने में मजा आना चाहिए। हम अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। सो दिस इज टिपिकली देयर ट्रेड। नाउ ये लोग अच्छे होते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जैसी जॉब्स में, या फिर ऐसी जो जॉब्स जहाँ पे ग्रुप्स में काम करना हो, टीम्स में काम करना हो, वहां पे ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। नाउ लेट अस सी द इवैल्यूएशन ऑफ द थ्योरी। सबसे पहले अप्रिसिएशन। नाउ इस थ्योरी का सबसे बड़ा अप्रिसिएशन यही है कि दिस थ्योरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैचिंग द इंडिविजुअल एंड द जॉब। जैसे कि मैं भी आपको हर एक नीट कैटेगरी के एंड में बता रहा था कि इस तरह के लोग किस जॉब में सूट करेंगे, तो ये थ्योरी क्या है कि लोगों को उनके किस तरह से वो मोटिवेट फील करते हैं, वेदर इट इज बाय देयर, सॉरी अबाउट दैट, सो वेदर दे फील मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर पावर और नीड फॉर अफेक्शन और सॉरी नीड फॉर अफिलियेशन और नीड फॉर अचीवमेंट, तो आप उनको राइट जॉब के साथ मैच कर सकते हैं ऐसे लोगों को। ये थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है दैट मैनेजर्स कैन रेज द अचीवमेंट नीड लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट, परमिटिंग देम अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनोमी, प्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग। मतलब कि आप अपने वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन जगा सकते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट जगा सकते हैं, अगर आप ये सब चीजें अपने एम्प्लॉयज को दें। एंड देर आर वेरी न्यूमरस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस थ्योरी के, काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन इकोनॉमिक रैम, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर इस थ्योरी को काफी यूज किया जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिक्स ये क्वेश्चन करते हैं कि वेदर मोटिव्स कैन बी टॉट टू एडल्ट्स, क्योंकि हमें नॉर्मली ये सिखाया जाता है कि जो इंसान का बिहेवियर है वो चाइल्डहुड में बनता है, और एक बार जब वो एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं तो उसे चेंज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हाउएवर मैकलेलन ने इस क्रिटिसिज्म को काउंटर किया है कि हम जैसे अगर पॉलिटिक्स देखें या रिलीजियन देखें या मास मीडिया, सोशल मीडिया सब देखें, तो इन सबको अगर केयरफुली स्टडी करें तो ये कहीं ना कहीं देखा गया है दैट इंडी दैट एडल्ट बिहेवियर कैन ऑल्सो बी ड्रास्टिकली अलर्ट ऑल्टर्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर आप जैसे देखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन अगर कोई रैली के अंदर कोई बात बोलता है, या फिर अगर कोई अपने प्रचार से, अपने प्रमोशन से कोई बात बोलता है, तो लोगों का माइंड चेंज किया जा सकता है। पीपल कैन बी मैनिपुलेटेड इनटू थिंकिंग समथिंग। इवन मीडिया के अंदर ये चीज काफी बार देखी जाती है कि जो चीज हमें बार 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 दोहराई जाती है, हम उसको कहीं ना कहीं यकीन करने पे आ जाते हैं। तो मैकलेलन ने इसलिए इस क्रिटिसिज्म को काउंटर किया था दैट एडल्ट बिहेवियर कैन ऑल्सो बी चेंज, इट कैन बी ऑल्टर्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। सेकेंड क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का यही है दैट नीड्स आर परमानेंटली अक्वायर्ड। ये जो बात है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, नीड्स हमेशा चेंज होती रहती है, समय के साथ साथ लोगों की नीड्स बदलती रहती है। इस थ्योरी की मेथोडोलॉजी को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया गया कि द मेथोडोलॉजी इज यूज्ड इज क्वेश्चनेबल, कि जो आप लोगों ने जो मेथड्स यूज किए हैं दे माइट नॉट बी साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट। देर इज ऑल्सो एन अजम्पशन दैट नीड्स कैन बी सोशली चेंज थ्रू ट्रेनिंग, कि आप सोशली जो नीड्स को ट्रेन कर जो चेंज कर सकते हैं, जो सोशल नीड्स है उसको भी ट्रेनिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इस अजम्पशन को भी कई बार क्रिटिसिज्म के अंदर चैलेंज किया गया है। सो दीज आर द फ्यू क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, बट इन स्पाइट ऑफ दीज क्रिटिसिज्म इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी व्हेन इट कम्स टू स्टडी मोटिवेशन इन द एम्प्लॉयज। एंड विद दिस वी फिनिश आर डिस्कशन ऑन कंटेंट थ्योरीज। हम लोगों ने सारी कंटेंट थ्योरीज यहाँ पे फिनिश कर दी। नेक्स्ट वीडियो से वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एंड उसमें सबसे पहली थ्योरी हम जो स्टडी करेंगे विच इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, दैट इज एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।